मैं कहता हूँ भाई, जय श्री राम नारा बोलने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है ना, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास भीड़ आ जाओ, कुछ भी कर्म कांड करियो, पर हमारे पास बीजेपी में आ गए तो खुश दूध दुए, कोई टाटा की नहीं है। मैं कहता हूँ भाई, जय श्री राम नारा बोलने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है ना, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। आप ये बताइए, पहले पूरे गाँव का चिरंजीवी में नाम था, अभी 10 या 15 लोगों का IQ है। भाई ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में कई कई सालों से बीमारी है, कोई कैंसर पीड़ित है, कोई कुछ है, कोई बेचारा उसको हर नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं। अभी यहाँ कई नेता भाषण दे रहे थे, हमारे देश में कोई गरीब नहीं है। बालकनाथ जी ने भाषण दिया था, तो गेहूं क्यों बांट रहे हो, गरीबी नहीं है तो। फिर कह रहे हो बालकनाथ जी ने क्या काम कर दिया था यहाँ 10 साल में। 10 साल से बीजेपी की सीट है, सांसद यहाँ रहे हैं, कौन सा काम किया? एक हैंडपंप भी लगाया इन्होंने, डबल इंजन की सरकार थी। अरे इंजन नहीं है, खुद आते भी नहीं थे भाई। सच्चाई तो कहनी पड़ेगी, वो जनता भारत की जनता नहीं है, वहाँ विकास नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं हो तो ये किसकी बात है? डबल इंजन, डबल इंजन क्या होता है? अगर बंगाल में दूसरी सरकार, वहाँ विकास नहीं होना चाहिए क्या? वो विदेशी नागरिक है क्या? फिर डबल इंजन नहीं है तो फिर क्या? वहाँ का नेता जीतने के बाद तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो भाई जो नहीं दिया, मोदी जी के लिए पूरा भारत बराबर है या केवल जहाँ बीजेपी की सरकार जो स्टेट है वही वही अपना डबल इंजन है, बाकी कोई सब इंजन फेल है? उनका जो स्मारक है कर्नल है, मेरा भाई, मेरा बाप कर्नल है, मेरा भाई कैप्टन है इंडियन आर्मी में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आम जनता के लिए बोल रहा हूँ। जो लोकल मुद्दे वो बता रहा हूँ आपको, जो सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा, ये हकीकत है भाई। हवा में नहीं करना पड़ेगा काम। अब मोदी जी अकेले काम थोड़ी करेंगे, ये सांसद भी करेंगे, विधायक भी करेंगे। इन्होंने क्या करा है बताओ, क्या कर रहे हैं काम? ये थोड़ी मोदी अकेले काम करेंगे, मोदी की जगह वो वहाँ बैठा है भाई, सेंटर में बैठ के ही तो काम करेगा। अभी कोई खिलाफ बोल दो, हाँ छोटे मोटे नेताओं को हाईजेक कर लेते हैं। अब ये जो बेचारे कांग्रेस में से ले रहे हैं, उठा लिए, वो भी पिला दी, वो खुश हो गए भाई, बढ़िया, मारा को दूध धुआ। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि 28% जो बीजेपी के पार्टी से खड़े हैं इस बार, 28% कांग्रेस ही है, 30,000 आदमी कांग्रेस ही है। अच्छा, नहीं वो कांग्रेस में 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस। तो अगर भाई साहब आप भ्रष्ट कहते थे तो वो कांग्रेस ही को टिकट दे दी। चलो आप एक बात बताइए, हेम सिंह भडाना के विरोध में वो दूसरा लड़का क्या नाम था, उसने उसको हराया बीजेपी से, अब वो बीजेपी का पट्टा पहन के घूम रहा है। सीट तो उन्होंने खोई है ना, उनके जो गद्दार थे उन्होंने तो सीट खोई है इनकी, जितनी भी खोई है। वहाँ विजय सिंह बैसला को हराया तो वो दूसरा आज वो भी पट्टा पहन के वहाँ स्टेज पे बैठ रहा है। मतलब हमारे पास भीड़ आ जाओ, कुछ भी कर्म कांड करियो, पर हमारे पास बीजेपी में आ गए तो खुश दूध दुए, कोई टाटा की नहीं है। क्लीन चिट हो रही है विपक्षी नेताओं पर, इनपे इनके नेताओं पे कोई कार्रवाई, थोड़ा दबाव दे रहे आम आदमी क्या करे अभी। भाई सच्चा देखो, ये आम आदमी से आप पूछोगे ना तो उसके अंदर एक दर्द है। मोदी बोले मोदी से बैर नहीं है, बोले बाकियों की खैर नहीं है, वो वाली स्थिति है यहाँ तो। आपने देखो पूरे मंच पे सुने होंगे भाषण, किसी ने ये कहा कि भाई 10 साल से हमारे सांसद जी ने ये काम किया, बहुत बड़ा कार्य किया। आप भी सुन रहे होंगे, पूरी जनता भी सुन रही थी वहाँ। काम दिखता है भाई, अंधेरे में भी दिखता है काम किया है तो। एक छोटा सा वार्ड पंच भी काम करता है ना, वो भी दिखता है। पर सच्चाई ये है कि जो अभी आयुष्मान जो कार्ड आ रहा है वो दिल्ली से ही साइन होके आ रहा है, 10 लोगों का आ रहा है गाँव में। क्यों भाई, जब सबके लिए सुविधा है तो हर किसी को आओ। 25 लाख का बीमा, राजस्थान में चिरंजीवी योजना भी तो चलती थी, सबके लिए थी। जिस व्यक्ति का नाम नहीं है 750 या 800 रुपए जमा करो और वो पूरे एक साल तक रहती थी। अभी क्या है, अभी आदेश गांव भाई मारो, देखियो वो क्यों हटा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।